नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए आज का बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि होने वाला है पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर पे। तो यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ से इंटरव्यू के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप जा रहे हो जॉब प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। सभी का निचोड़ आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली बार यदि चैनल पर आए हो तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। यदि आप कर रहे हो यूपी पीसीएल टीजी 2 की तैयारी, यदि आप कर रहे हो यूपी अरवी टीजी 2 की तैयारी, या फिर कर रहे हो किसी भी जेई की तैयारी और साथ ही साथ LMRC DMRC टेक्निकल की जितनी भी तैयारी आप कर रहे हो, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो और चले जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपके लिए मल्टीपल वीडियोस बना दिए गए हैं, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बात करेंगे, आज के इस प्यारे वीडियो में बात करेंगे कि पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या कवरअप करेंगे, इसके सभी पार्ट्स को जो यहाँ पे मैंने आपको प्यारा सा एक छोटा सा चित्र बनाया हुआ है, इसी चित्र को जितने भी हैं सभी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जो ट्रांसफार्मर होता है, आप सभी लोग जानते हो बिल्कुल ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं देखे हो, यदि आम इंसान हो, यदि आप इलेक्ट्रिकल की दुनिया से नहीं हो, तभी भी आपको पता है कि बिजली आपके घर तक आती है। तो आपके गांव में, आपके विलेज में, आपके सिटी में बिल्कुल ट्रांसफार्मर या तो दो पोल के ऊपर लगा होगा या फिर कहीं फाउंडेशन बना के वहां पे उसको इंस्टॉल किया गया होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि उसका एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से होते हैं, या फिर उसके इंटरनल की बात करेंगे किस प्रकार का बिहेवियर होता है ट्रांसफार्मर का, आज के इस वीडियो में पूरा सेशन में कवर कराएंगे। तो आज के इस सेशन में यहाँ पे पूरे पार्ट्स को कवर कराएंगे, स्टील टैंक्स, कंजर्वेटर टैंक्स, वेदर, एक्सप्लोजन वेंट, टेम्परेचर गेज, कूलिंग ट्यूब्स, बुशिंग टर्मिनल एंड ग्लूकोज रिले। तो इनका क्या पार्ट है, इनका क्या टॉपिक, मतलब क्या इनका यूज होने वाला है आपके व्यावहारिक जीवन में, किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, और साथ ही साथ ये जो पार्ट है किस प्रकार से रिलेट कराते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार बात करेंगे यहाँ पे स्टील टैंक, जिसको हम कहते हैं ऑयल टैंक, क्या कहते हैं भाई, ऑयल टैंक कहते हैं, या फिर कहते हैं इसे मेन टैंक कहते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसको, ये जो ये टैंक है ये पूरा क्या है, यहाँ से लेके ये हमारा क्या है, ये टैंक है जिसको हम कहते हैं ऑयल टैंक कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर कोर होते हैं भाई। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, पहली क्लास में हमने आपको बताया था किस प्रकार के कोर होते हैं, जिसके उस कोर के लिंब पे क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की गई होती है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके इंटरनल की यदि हम बात करें, इस टैंक के अंदर क्या होता है, इस टैंक के अंदर कोर होते हैं, जहां से हम क्या करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। तो यहां पे इस टैंक के अंदर क्या होता होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहां पे इसके अंदर क्या होता है, ऑयल भरे जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ऑयल भरे जाते हैं भाई। ठीक है, ये जो ऑयल होते हैं इस कोर को कूल करने के लिए, ठीक है ना, इस कोर को कूलिंग करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कोर कैसे बनते हैं, इसका मैंने वीडियो जो पिछला वीडियो था वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था। तो यहां पे क्या हो जाता है कि इस कोर, जैसे ये कोर है, कौन कौन सा कोर होता है भाई, ई टाइप होता है, ठीक है, ई टाइप कोर होता है, साथ में आई टाइप होता है, फिर एल टाइप होता है, ठीक है, एल टाइप होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो लिंब होते हैं, इसी लिंब पे क्या होता है, हम क्या करते हैं कि कॉपर वायर को लेके क्या करते हैं, उसे वाइंडिंग करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न्स के ऊपर दूसरा टर्न्स के ऊपर दूसरा टर्न्स, ऐसे करके हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो वहाँ पे अब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर जो वहाँ पे कॉपर वायर जो होता है एज ए कॉइल यूज करते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, हम पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, पेपर का यूज करते हैं, तो यहां पे कुछ इस प्रकार से कोर होता है, या फिर कुछ इस प्रकार से भी कोर पाया जाता है, जैसा यहां पे मैं आपको बना रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसको, सेल टाइप जिसको कहते हैं। ठीक है, सेल टाइप होगा, ये अलग अलग कोर पे इनकी बाइंडिंग की गई होती है,
बात समझ रहे हैं, अलग अलग कोर पे बाइंडिंग की गई होती है, तो एक ही कोर नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक मोटा सा कोर लिए उसके ऊपर बाइंडिंग की, जी नहीं, पतला पतला सा चद्दर होता है कोर का। और ये जो कोर बनाया जाता है किस चीज का बनाया जाता है, नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक है, नर्म लोहे का बनाया जाता है। लेकिन ये जो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होंगे, कहने का मतलब इनमें क्या होगा, पावर लॉसेज होंगे, क्या होंगे, लॉसेज होंगे, जब यहाँ पे फ्लैक्सिस क्रिएशन होंगे, एडी करेंट लॉसेज होंगे, बहुत सारी भी लॉसेज होंगे, भी नेक्स्ट वीडियो में पूरी लॉसेज पे हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक समझना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जब कोर है तो यहाँ पे मल्टीपल कोर एक दूसरे से जुड़ के बने होते हैं, तो उस कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, वार्निश करते हैं, उस कोर के ऊपर क्या करते हैं, हम वार्निश करते हैं। ये सब सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, इस टैंक के अंदर इस कोर को फीडअप करते हैं, और जब फीडअप करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयल भर देते हैं, जिससे इसमें जो हीटिंग होगा भाई, जब इसमें सप्लाई हम देंगे तो ये जो कोर होगा, ये कोर क्या होगा, हीट होगा, तो हीट बैलेंस को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, मेन टैंक के बारे में बात कर रहे थे कि मेन टैंक आखिर क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब देखिए मेन टैंक की बात कर लिया हमने, ऑयल टैंक की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे कंजर्वेटर की बात करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो ऑयल टैंक होता है वो नट से, नट बोल्ट से क्या होता है, कसा होता है, उसके ऊपर कैप लगा होता है, उसको हम क्या करते हैं भाई, ऑयलिंग वाल्व, ऑयल करने के बाद, ऑयल भरने के बाद वो क्या होता है, चारों तरफ से नट बोल्ट से भर दिया जाता है। लेकिन जब हम इस पर क्या करते हैं, सप्लाई जब आती है तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू द हीटिंग प्रोसेस क्या होता है कि भाई ये जो इसके अंदर जो ऑयल होता है वो क्या करता है, जब ये गर्म होता है ये ऑयल, तब क्या करता है, ये एक्सपेंड होता है, ये क्या करता है, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, संचरित होती है, एक्सपैम होता है। तो उस वो जो एक्सपेंडेंशन प्रोसेस, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो आपका आने वाला है वो क्या है, कंजर्वेटर टैंक आने वाला है। देखिए होता क्या, जो मेन टैंक होता है वो क्या होता है, एक चद्दर से क्या होता है, उससे भी नट बोल्ट से क्या होता है, देखिए कैसा होता है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब क्या है, नट बोल्ट है, ये क्या है, इस मेन जो मेन टैंक है उसको ढक के क्या करते हैं, नट बोल्ट से कस देते हैं। लेकिन जस्ट इसी के ऊपर क्या होता है, कंजर्वेटर लगा होता है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये जस्ट मेन टैंक के ऊपर लगा होता है, ठीक है, मेन टैंक के ऊपर लगा होता है। तो इसकी नीड क्यों पड़ गई, समझने की कोशिश करिएगा कि जो मेन टैंक होता है, मेन टैंक जो होता है इसमें जो ऑयल होता है, ठीक है, इसमें जो ऑयल होता है, जब हीटिंग प्रोसेस होती है, जब हीटिंग प्रोसेस जब होती है तब क्या होता है, ये जो ऑयल होते हैं, जैसे यदि हम दूध गर्म करते हैं तो दूध क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होना होता है, मतलब एक्सपेंशन प्रोसेस होने लगते हैं, ठीक है, वो फैलाव होता है, बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ। वही सेम चीज होता है कि जब ये हीट होता है, जब इस पे ड्यू टू द सप्लाई क्या होता है, कोर लॉसेज, या फिर कह सकते हैं कि जो उसका जो कोर होता है, जब हीट होता है उससे क्या होता है कि जो वायल ऑयल होता है वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तब यदि ये नट बोल्ट से कसा हुआ है, ठीक है, नट बोल्ट से कसा हुआ है, तो जितना ज्यादा भाई ड्यू टू द ओवरलोड जब हीटिंग प्रोसेस हो रही है तो उस केस में क्या होगा, ये ब्लास्ट करने की कंडीशन में आ जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कंजर्वेटर का यूज करते हैं, और कंजर्वेटर के माध्यम से ये जो पाइप होता है कंजर्वेटर का, ये माध्यम से ये जो ऑयल हो ये ऊपर की तरफ चलते हैं। और ऑलरेडी क्या होता है, कंजर्वेटर में भी हाफ, ठीक है ना, 1/2, ये ऐसा नहीं है कि फुल भरा होता है, 1/2 इसमें ऑयल होते हैं, ठीक है ना, इसमें ऑलरेडी ऑयल होते हैं, हाफ भरा होता है कंजर्वेटर। अब क्या होता है, ये जब धीरे धीरे एक्सपेंशन होते हैं, जब ये ऊपर की तरफ जाता है ऑयल, तब क्या होता है कि इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो खाली स्थान होते हैं वो भर जाते हैं, तब तक ये नीचे जो है ऑयल जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे खाली स्थान बनेगा, फिर से यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ क्या होते हैं, ऑयल नीचे की तरफ आना
स्टार्ट हो जाते हैं, बात समझ रहे हो, एक बार बढ़ते हैं एक बार नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस क्या होता है कि भाई कंजर्वेटर में होता है, और ये क्यों होता है, इस पूरे ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंजर्वेटर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसकी भी डिटेलिंग यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोजन वाल्व लगाया हुआ है, फिर कह सकते हैं एक्सप्लोजर वेंट लगा हुआ है। अब इसका क्या काम होता है, हमने क्या देखा, मेन टैंक को देख लिया, कंजर्वेटर को देख लिया। अब देखिए अब एक चीज और आपके माइंड में आएगा कि सर यदि ये ढका रहता है बंद रहता है तो इसके अंदर ऑयल फीड कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो होता है कंजर्वेटर के जस्ट ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन नुमा पाइप लगा होता है जहां से हम इसे कहते हैं इनलेट करते हैं, मतलब ऑयल को कराते हैं, ऑयल यहां से भरते हैं हम, ठीक है। अब यहां पे जब ये एक्सप्लोजन वेंट की बात कर रहे हैं, इसकी क्या नीड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है ट्रांसफार्मर का। अभी तो ये पुराने ट्रांसफार्मर में ऐसे लगा होता था, अभी बहुत ही छोटा, ठीक है, अभी एक बहुत छोटा सा पॉइंट लगा होता है। वो जैसे ही ये प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, देखिए ड्यू टू द हीटिंग प्रोसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग के समय क्या होता है कि जो इसके जो ऑयल होते हैं ये जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा, हीटिंग जनरेट होगा। हीटिंग जनरेट करने का मतलब क्या होगा कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा और वहां पे क्या होगा, गैसेस क्रिएट होंगे। अब वो जो गैसेस होती हैं वो क्या करेंगी कि यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जब प्रेशर बनेगा, जब ये कंजर्वेटर भी नहीं संभाल पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो उस स्थिति में क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है कि इसमें देखिए पारा भरा होता है, इसमें क्या होता है, पारा मर्करी डाला हुआ होता है, ये धीरे 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 क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है और इस पे एक डायफ्राम का कैप लगा होता है, ये क्या करता है, फट जाता है, और फट जाता है यहां से जो ऑयल होता है वो आउट हो जाता है, बात समझ रहे हैं, यहाँ से जो हीट ऑयल जो होता है वो बाहर तरफ निकल जाती है और तुरंत जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तुरंत बंद हो जाता है। और ये बिल्कुल, ये भी एक सेफ्टी प्रोसेस है, ये भी सेफ्टी पार्ट है जो कि बिल्कुल ट्रांसफार्मर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, हम बात करते हैं ब्रीदर के बारे में। ब्रीदर को निकाले हम यहाँ पे लेके आ गए। अब ब्रीदर का क्या काम होगा, ब्रीदर मतलब ब्रीद करना, सांस लेना छोड़ना, ठीक है। जैसे आप ठंडे के दिनों में देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी से, ठीक है, तो हम जब बात करते हैं तो बाहर से क्या होता है, बाहर से हवा, अंदर से हवा बाहर की तरफ जाती है और बाहर से हवा हम अंदर तरफ लेते हैं। जब बाहर से हवा अंदर तरफ लेते हैं तब तो उसमें मतलब आप नमी भाई अंदर ले रहे हो बाहर कर रहे हो, तो उस आप अवस्था में जब देखते हो तो आपके मुख से क्या होता है कि वहाँ पे आपको दिखाई देता है कुछ भाप टाइप का ना, तो वो नमी होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है जब कंजर्वेटर में, ठीक है, जब ये प्रोसेस होती है, मेन टैंक से ऑयल ऊपर की तरफ जाता है, कंजर्वेटर में जाता है और इसी कंजर्वेटर के माध्यम से ब्रीदर लगा होता है। अब जब यहाँ पे गैपिंग क्रिएट होता है, ठीक है, पहले नीचे, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ऑयल हीट होके, तो यहाँ पे गैपिंग क्रिएट होगा और उसके बाद जब यहाँ पे एक्सपेंशन होने के बाद जब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तभी भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हवा को अंदर लेगा बाहर करेगा। जब ये नीचे की तरफ ऑयल इधर से नीचे की तरफ जाएगा तो एयर अंदर आएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके बाहर एयर जाएगी। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि जो बाहर की नमी होती है वो भी क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर खींचना चाहता है। तो उसी लिए हम क्या करते हैं, वहां पे ब्रीदर क्या यूज करते हैं, उस ब्रीदर के अंदर क्या यूज होता है भाई, सिलिका जेल, सिलिका जेल का यूज करते हैं। और ये जो सिलिका जेल होता है ये भाई क्या करता है, जो हवा की नमी होती है, हवा की नमी को क्या कर लेता है भाई, सोख लेता है, ठीक है, हवा की नमी को सोख लेता है। अब आप कहेंगे सर कि मार्केट एरिया में भाई, ओपन एरिया में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो वहाँ पे धूल कण भी आते हैं, तो बिल्कुल उसको रोकने के लिए एक छोटा सा टैंक होता है, यहाँ पे छोटा सा एक पार्ट होता है जिसमें ऑयल भरा होता है। ये ऑयल क्या करता है, वो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीदर का मेन काम यही है कि जो बाहर का जो हवा है वो जो इंटर हो रहा है इस कंजर्वेटर में, उसमें जो नमी है उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रीदर
वाटर का यूज करते हैं उसमें सिलिका जेल का यूज करते हैं। ये बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि ब्रीदर में कौन सा जेल ये भरा होता है, या भी पूछ सकता है ब्रीदर में कौन सा मटेरियल भरा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक तरफ। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, वो है भाई बुशिंग टर्मिनल। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, बुशिंग टर्मिनल इस प्रकार से इस टैंक के जस्ट उस साइड भी लगा रहता है, इस साइड भी कभी कभी क्या होता है इसी टैंक के जस्ट ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो अभी यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए दो प्रकार के बुशिंग टर्मिनल होते हैं, हाई टर्मिनल और लो टर्मिनल होता है। ये जो मोटा वाला होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा हाई टर्मिनल, ठीक है, एचटी जो होता है मोटा होता है और जो एलटी होता है वो पतला होता है। रीज़न इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है, कभी कभी कोई देखिए पूछ भी देता है इंटरव्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, तो समझ लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे, ठीक है, जहाँ से बिजली जनरेट हो रहा है वहाँ से क्या होता है कि ट्रांसमिशन होता है, और जो उपभोक्ता के पास क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होकर उपभोक्ता के पास आता है सब स्टेशन से। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो कौन सा, जो सब स्टेशन से जो आती है कहाँ तक, उपभोक्ता तक, कस्टमर तक। ठीक है, जो कस्टमर तक आती है वो क्या होती है 11 kV, ठीक है, 11000 kV। इसको हम डायरेक्ट अपने घर में तो लेके आएंगे नहीं भाई, 11 kV 11000 kV, बात समझ रहे ना, 11 kV मतलब कि 11000 वोल्ट। ठीक है, इतना ज़्यादा वोल्टेज आपकी नीड तो है नहीं, मैक्सिमम 420 वोल्ट की आपको नीड होती है, बात समझ रहे हो। आप घर में स्टेबलाइजर वगैरह लगाए रहते हो, वहां से क्या करते हो आप अप डाउन कर सकते हो, ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर आपके स्टेबलाइजर में लगा होता है। ठीक है, अब देखिएगा बात को समझने की कोशिश करिएगा कि आप देखिए 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अब वो आएगा कहाँ पे, ये 11 kV आएगा भाई इस जो हाई टर्मिनल है इसमें आएगा, और उसके बाद ये जो पतला वाला होता है ये क्या होता है, ये थिक होता है, और ये क्या होता है, ये पतला होता है, थीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये थीन होता है, ये मोटा होता है, पतला होता है। रीज़न यही है कि ये हाई वोल्टेज यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है लो वोल्टेज में 420 वोल्टेज में। ठीक है, तो मेन रीज़न यही होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बुशिंग टर्मिनल्स कहते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई देखिए हमने क्या देख लिया, कंजर्वेटर देख लिया, मेन टैंक देख लिया, एक्सप्लोजन वेंट देख लिया, ब्रीदर देख लिया, बुशिंग टर्मिनल देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें ग्लूकोज रिले, टेम्परेचर गेज और कूलिंग ट्यूब को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आप लोग MCB देखे होंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है, जो कि घर की लाइन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अप्लियंस जो लगे हों, AC, कूलर, फैन, ट्यूब्स लगे हों, तो इन लोगों के कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, एक MCB का यूज़ करते हैं कि मान लो कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो रही है, पहले वो MCB क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, गिर जाए। ठीक है, इसलिए उसका नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नाम होता है। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है इस ट्रांसफार्मर में, जो ग्लूकोज रिले होता है ये कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है, कि यदि कोई ऐसा हीटिंग प्रॉब्लम आ जाए कि दोनों में कंट्रोलिंग ना हो पाए, उस स्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज रिले क्या होता है, ट्रिप कर जाता है। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज रिले ट्रिप करता है। कहने का मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है एक लाइन में, कि ग्लूकोज रिले का यूज ट्रांसफार्मर में एक स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है, ट्रिपिंग सर्किट के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये सब से भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए टेम्परेचर गेज क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब ऑयल हीट होता है, मतलब जब ऑयल हीट होना स्टार्ट होता है, तो कहने का मतलब ये होगा कि जो टेम्परेचर होता है, जो ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज करेगा, और जब ऑयल क्या होगा, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, उस स्थिति में क्या रहेगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा ट्रांसफार्मर का। तो उसी स्थिति में ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होता है
ट्रांसफार्मर के जस्ट बाहर एक इंडिकेटर डिनोट करता रहता है इसके पॉइंटिंग को कि हाँ भाई यहाँ पे, और साथ ही साथ ये इस ट्रांसफार्मर के यदि हीटिंग ज़्यादा हो रही है, यदि इस ट्रांसफार्मर की जो टेम्परेचर वो इंक्रीज कर रही है और ज़्यादा टाइम तक इंक्रीज है, तो उस स्थिति में यह समझ में आना चाहिए कि इसमें जो ऑयल है, जो इसकी ऑयल की हुई है, इसमें जो ऑयल डाला हुआ है उसका जो स्तर है, उसका जो लेवल वो कम हो गया है, आपको ऑयल करना पड़ेगा। मतलब इसको कहते हैं मेंटेनेंस कहना चाहिए कि समय समय पे मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। कोई भी यदि इक्विपमेंट हो, कोई भी यदि मोटर क्यों ना हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, सभी का मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि आपको मेंटेनेंस चैप्टर के नाम से पढ़ाया भी जाता होगा। तो वहाँ पे, यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर गेज होता है इसमें जो ऑयल की कमी को बताता है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, भाई जब टेम्परेचर मतलब हीटिंग की वजह से इंक्रीज होगा, उस स्थिति को यहाँ पे टेम्परेचर गेज के द्वारा समझते हैं। अब आता है देखिए कूलिंग ट्यूब्स आता है। देखिए बात को फिर से समझने की कोशिश करिएगा, कूलिंग ट्यूब आखिर क्या होता है। भाई हम यहाँ पे कंजर्वेटर यूज़ कर रहे हैं, वाल्व टैंक है, और यदि ज़्यादा हीटिंग हो जा रही है तो एक्सप्लोजन वेंट है, ये ओपन हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कूलिंग ट्यूब्स की क्या ज़रूरत पड़ गई। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। देखिए होता क्या है, जो कूलिंग ट्यूब्स होता है, बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये देखिए बाहर की तरफ निकला होता है, ये जो मेन टैंक का आवरण होता है, मेन टैंक का जो बॉडी होता है, उस बॉडी से बाहर कम से कम कुछ दूरी तक ये बाहर निकला होता है। जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए ये जो व्हाइट बोर्ड है इसका टैंक का बॉडी है, तो कम से कम इतना दूर तक ये बाहर निकला होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसके जो बीच में क्या होता है, इसके बीच में खांचे बने होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से क्या होता है कि खांचे बने होते हैं, यहाँ पे लाइनिंग होती है, खांचे बने होते हैं, इसी के पास में क्या होता है, इसी के पास में ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स इसी के पास में लगी होती हैं, ठीक है, ये ट्यूब्स क्या होती हैं, लगी होती हैं। जब क्या होता है, कब, जब इसका जो ऑयल होता है वो हीटिंग होगा, जब इसका फैलाव होगा, एक्सपेंशन होगा, उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ ऑयल क्या होते हैं, इस ट्यूब्स के अंदर आ जाते हैं, इस ट्यूब्स के अंदर ऑयल आ जाते हैं, ठीक है, जितने भी ट्यूब्स लगी होती है सभी ट्यूब्स के अंदर ऑयल आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, ये वातावरण में है, और वातावरण क्या है, कूल है, ठीक है, बाहरी जो वायुमंडल है, वातावरण है, तो उसकी जो हवा होती है वो क्या करती है, हमेशा ये हवा के टच में है, बाहरी जो आवरण है ये हवा के टच में है, और इसका बनावट ऐसा होता है, इसका जो खांचा इसमें बनाया जाता है, उस स्थिति में क्या होता है, इसके अंदर जो ऑयल आ जाता है वो क्या करता है, वो कूल हो जाता है। बस समझ रहे हो, वो बाहर जो टेम्परेचर है, वो जो ठंडा माहौल है, उसमें जाके वो क्या होता है, कूल हो जाता है, और फिर ये जो ऑयल होती हैं फिर से ये ट्रांसफार्मर के अंदर जाती हैं। तो ठीक है, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं भाई, कूलिंग ट्यूब का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कवरअप करा दिया। और आप कहेंगे कि सर यदि हम इस ऑयल को कुछ दिन के बाद चेंज करना चाहें, भाई ऑयल यूज करते 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 उसकी जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो गई है, तो उसके बाद हम इसको कैसे बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसके जस्ट नीचे एक आउटलेट वाल्व होता है, उसको क्या करना है, आपको ओपन नट बोल्ट लगा होता है, कैपिंग होती है वहाँ पे, उस कैप को ओपन कर लेना है। क्या होगा, जो ख़राब ऑयल होता है कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है, ये मेंटेनेंस पार्ट में आता है, मेंटेनेंस वर्क में आता है। जब इसका मेंटेनेंस कराते हैं उस समय क्या होता है कि यहाँ से वाल्व ओपन कर लेते हैं, जितनी भी ख़राब ऑयल होती हैं वो बाहर तरफ निकल जाते हैं, फिर से इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल फीडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का जो पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार के लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, मल्टीपल लॉसेज हैं, बहुत मजा आएगा लॉसेज पढ़ने में, वहां से भी मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक छोटा सा मोटिवेशन के लिए। यदि आप लोग लाइक करते हो, साथ खड़े रहते हो, साथ देते हो, तो बिल्कुल आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाने का बहुत ही अच्छा दिल करता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।